रीवा सर्किट हाउस में हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस आरोपी और सहयोगियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, उनके अवैध निर्माण कार्यों को तोड़कर आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया गया है। घटना को लेकर मऊगंज से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्री बन्ना ने कहा कि 28 मार्च को सीताराम बाबा और उसके साथियों के ऊपर दुष्कर्म का अपराध दर्ज हुए, वहीं भारी विरोध के बाद गिरफ्तारी हुई। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए बुलडोजर जैसी कार्रवाई कर रहा है। इससे आने वाले समय में निर्दोष लोग और सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, उनको दबाने के लिए विशेष हथकंडा अपनाया जा रहा है। श्री बन्ना ने कहा कि सीताराम बाबा को जिसने आमंत्रण दिया, जिसके बुलाने पर वो आए, वो लगातार उनके साथ रहे, क्या इस घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती? श्री बन्ना ने कहा कि घटना किसी होटल की नहीं बल्कि राजनिवास की है। किस नेता या फिर किस अधिकारी के द्वारा इनके ठहरने का इंतजाम किया गया? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती? इसमें कलेक्टर, एसडीएम, जिस नेता के आदेश से रूम खुला, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस कानून के तहत किसी का घर गिराया जा रहा है, संविधान में, या सीधे अपने बचाव के लिए या फिर आम जन को बताने के लिए, अपना स्वयं का पाप छुपाने के लिए ये घर और मकान गिराने की कार्रवाई बगैर किसी जांच के या फिर कोर्ट आदेश के हो रही है। आइए सुनाते हैं कमिश्नर कार्यालय पहुंचे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। कांड के मामले में आनंद फानंद में गिरफ्तारी करना, ये सब करना, वो भी कांग्रेस के साथियों ने जब आंदोलन किया उस दबाव में आकर के सब किए, तो बसरते अब उसके आड़ में डोजर बुलडोजर चला करके आम जन को भयभीत करना चाहते हैं, आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के हम यहाँ पे रीवा कमिश्नर को शिकायत करने आए। कल रीवा कलेक्टर हंगना गए, वहाँ पे ऐसे एक घटना जब प्रकाश में आई, हमने उनसे फ़ोन पे बात किया, तब हमको ये लगा कि अब इस बात को हमको कमिश्नर को ज्ञापन दे करके इस बात को आगे बढ़ानी चाहिए। इस बात को लेकर के मैं आया। भाई कार्यवाही इस पर होनी चाहिए। जो पहले कमरा किसने दिया बगैर अधिकारियों के संरक्षण में, कमरा कैसे? मैं विधायक हूँ, मैं भी फोन करता था, एक पत्र जाता था मेरा, तब कमरा मेरे नाम से बुक होता था। अब आज कैसे कमरा बुक हुआ? अब किसके नाम से बुक हुआ? इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार सीधे सीधे प्रोटोकॉलिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो इस बात को संज्ञान में, ये काम वो ना करके, और फिर जिसने आमंत्रित करके बुलाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेन जो पास्टो एक्ट लगता है तो उसमें जितने सहयोगयुक्त होते हैं, सहयोगी होते हैं, सबके ऊपर लगता है। तो हमारे कहने का मतलब दो कानून चलाए जा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए ये डोजर बुलडोजर का पूरी तरह से भय दिखाया जा रहा है। तो अगर इनको कार्रवाई करनी है तो सारी एक साथ कार्रवाई करें, ये बात मैं कमिश्नर रीवा को बताने आया। कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ का प्रोटोकॉलिक अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होनी चाहिए जिसने आमंत्रित करके बुलाया। शायद समदर्ग कार्ड तो समदर्गिया ग्रुप के नाम से छपे थे, तो उनके ऊपर डोजर बुलडोजर नहीं चला रहे, उनको अपराधी नहीं बनाए, इसलिए वो रसूखदार है, वो संबंधित है सारे लोगों के। तो जब कानून बने तो एक साथ कानून चलाए, तब तो हम स्वीकारें इस बात को। बाकी ऐसे थोड़ी है भाई, मेरी हत्या कराना चाहे तो करा दे, मुझे आपत्ति नहीं है। उस दिन भी जब हम लोग सीएम का घेराव करने जा रहे थे या सीएम से बात करने जा रहे थे, तो उस दिन भी पुलिस लगा करके रोका गया। अब आनंद फानंद में कार्रवाई हुई, तो हम लोग तो भाई रीवा की जनता भयभीत है, उस बात को बताने आए हैं। मैं रीवा की जनता को आप सबके माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि रीवा की जनता भयभीत न हो, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आए, जागरूक हो इस बात को लेकर। मुख्य आरोपी कौन है आपकी तरफ से? कौन है मुख्य? मुख्य आरोपी यहाँ का के अधिकारी हैं, मेन आदमी ये, इनके ऊपर अपराध नहीं दर्ज हुआ। जो असली मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर अपराध नहीं दर्ज हुआ, ये बात मैं बताने आया। ये तो पुलिस की ना बताए ना, इसमें सब अधिकारियों के साथ सबके फोटो हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए वो पूरी तरह से डोजर बुलडोजर का भय दिखा करके सबको दबाना चाहते हैं।